दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जियो सिनेमा ऐप में कोई भी मूवी या टीवी शो आप किसी भी लैंग्वेज में किस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। तो मूवी या टीवी शो किसी भी लैंग्वेज में देखने के लिए आपको सबसे पहले तो जियो सिनेमा ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप जियो सिनेमा ऐप को ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपको इसका पेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे की तरफ बहुत सारी मूवी टीवी शो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तो बहुत सारे आपको मूवीज और टीवी शो आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ आपको नीचे की तरफ मूवीज वाला ऑप्शन मिलेगा और टीवी शो वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए किसी मूवी को हिंदी में करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक मूवी है, तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो मूवी है वो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मूवी है वो यहाँ पर प्ले हो चुकी है। और चलिए किस लैंग्वेज में चल रही है उसको भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, तो चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सेटिंग्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ऑडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, तो चलिए हम ऑडियो में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मूवी है ये यहाँ पर जापानीज में चल रही है। तो चलिए मैं आपको हिंदी में करके इसको दिखा देता हूँ। तो आपको हिंदी में सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर जो मूवी है वो यहाँ पर हिंदी में प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी मूवी को किसी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।